हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अंडा ब्रेड की रेसिपी लाई हूँ जो आप ब्रेकफास्ट में झटपट बना सकते हैं। इसको मैंने कम से कम इंग्रेडिएंट यूज़ करके बनाई हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनता है और आप घर की ही चीज़ों से इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो फ्रेंड, उसके लिए मैंने लिया है चार ब्रेड, चार स्लाइसेस ब्रेड के, दो अंडे, थोड़ा सा शिमला मिर्च, आधा से भी कम टमाटर, दो हरी मिर्चें और नमक, आधा से भी कम प्याज। अब हम ब्रेड को लेंगे और उसको अंदर से शेप देंगे। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। आप इसको जो शेप देना चाहें दे सकते हैं, मैंने फ़िलहाल ये शेप दिया है। आप इस शेप में भी कट कर सकते हैं। फ्रेंड, ये बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है, आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए घर पे। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम अंडे को तोड़ेंगे और अब इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें लेना है टमाटर जो हमने कट करके लिए थे पहले, हरी मिर्ची, प्याज, शिमला मिर्च, नमक। आप चाहें तो इसमें हरी धनिया भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हमको बटर डालना है और बटर को चारों तरफ अच्छे से फैला देना है। अब इसमें हमें ब्रेड को सेकना है थोड़ा देर के लिए, आधा मिनट। उसके बाद जो हमने बनाए थे उसको हमको इसमें ऐड कर देना है, सेंटर में ऐड करना है और इसको 2 से 3 मिनट पकाना है धीमी आंच पर और फिर इसको पलट देना है। देखिए, इस तरह से पक चुके हैं। अब दोनों तरफ से हमको अच्छी तरह से सेक लेना है 2 से 3 मिनट। अब देखिए, आपका ये अंडा ब्रेड तैयार हो चुका है। आप इसके ऊपर अब हरी धनिया डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।